हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस देखिए, फ्राइडे के सेशन में जो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई लगाई गई, उसके बाद आप सभी ने काफी सारे स्टॉक्स में बहुत बुरी तरीके से पिटाई पड़ती हुई देखी, लाइक रिलायंस, ONGC, चेन्नई पेट्रो, MRPL, OIL। तो इन स्टॉक्स में कुछ ज्यादा पिटाई पड़ी एंड इन स्टॉक्स में से सबसे हैवी कहीं ना कहीं रिलायंस का ही कारोबार है इस मार्केट में। एंड स्टॉक में उस दिन आप सभी ने एक बड़ा कट भी देखा, लेकिन आज के सेशन में फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ स्टॉक। अगर आज के सेशन में देखें तो अराउंड 2442 तक ऊपर के लेवल्स भी दिखाए। फ्राइडे का सेशन अगर आप याद करें या फिर आज मॉर्निंग की मेरी वीडियोस देखें, तो मैंने ONGC के स्टॉक पे एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आप सभी के साथ शेयर करा कि रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इन लेवल्स पे सपोर्ट लेगा, जहां पे आज के सेशन में लेता हुआ दिखा भी। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स बहुत हैवी थे, मतलब खरीदने बेचने वाले दोनों बहुत ज्यादा रहे, लड़ाई दोनों के बीच में हुई कि कौन नीचे लेके जाएगा या ऊपर, लेकिन स्टॉक बिल्कुल फ्लैट रहा। स्टॉक में पार्टिसिपेशन मार्केट की तेजी में बिल्कुल नहीं बना एंड स्टॉक कहीं ना कहीं एक बीच में कहीं ना कहीं आप सभी ने 1 बजे के लगभग स्टॉक में हाई लगता हुआ दिखाया, तुरंत वो नीचे के लेवल्स पे आ गया। ऐसे में काफी सारी वीडियोस मेरी स्क्रीन पे आ रही है जहां पे रिलायंस को 2000, 1500 इस तरीके के कुछ टारगेट्स आ रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अब खरीद लो। तो कौन सा बेस्ट डिसीजन है, क्या यहां अपने स्टॉक को एवरेज करना चाहिए या और गिरेगा? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाया है वो उसका इम्पैक्ट काफी हैवी पड़ेगा इस स्टॉक पे। मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कराया कि कंपनी वहां से एक्सपोर्ट करके, केवल एक प्लांट तो ऐसा है जो केवल एक्सपोर्ट करने के लिए ही इन्होंने बना रखा है एंड कंपनी लगभग 1.45 लाख करोड़ तक प्रॉफिट जनरेट करती है इस एक्सपोर्ट के द्वारा। अब ये टैक्स लगने के कारण उस पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी एंड जिससे इनके मार्जिन एंड नंबर्स पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, बट उतना नहीं पड़ेगा क्योंकि शायद आपको नहीं पता कि रिलायंस के अंदर लगभग बहुत 70-80 तो सब्सिडीज लगभग काम करती हैं। तो अगर एक कहीं ना कहीं फील्ड पे इंपैक्ट आएगा, वो भी हल्का आएगा, बट हल्का आएगा, लेकिन हाँ ये है कि इतना इंपैक्ट जरूर आएगा इस फील्ड से कि इस फील्ड पे इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। आप शायद समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब रिलायंस की बात करें, स्टॉक प्राइस, शायद आप ये सारी चीजें ना देखना चाहते हो ना सुनना चाहते हो क्योंकि आपको शायद ज्यादा समझना हो, लेकिन हाँ आप ये जरूर जानना चाहते हैं स्टॉक कितना गिरेगा, क्या मुझे खरीदना चाहिए और खरीदना चाहिए तो कौन से बेस्ट लेवल्स होंगे मेरे लिए, एंड सबसे बड़ी बात क्या इस स्टॉक में मंदी आने वाली है, इसके बारे में भी बहुत लोग जानना चाहते होंगे। तो ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ आज कवर करने वाला हूं। सबसे पहले 2413 मैंने आपको एक ही SL दे रखा है, उसी SL से होल्ड कर रखा है आपने, तो बहुत अच्छी बात है। 2360, 2380 ये ऐसे लेवल्स हैं जो स्टॉक ने लो लगाए थे रिसेंट में, लगभग मई स्टार्टिंग में 12 और 13 मई के आसपास स्टॉक का लो 2380 का है स्टॉक में, वहीं से रिकवरी आई अराउंड 2800 तक गया, फिर दोबारा गिर रहा है स्टॉक एंड वहीं आ गया। इस बार जो है ये एक न्यूज बेस्ड सेलिंग है एंड काफी बड़ी है एंड वॉल्यूम्स आज भी काफी हैवी आते हुए दिखे हैं। इस बीच HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से स्टॉक पे बाय रिकमेंडेशन आई है, लगभग 2825 के टारगेट है, लेकिन ये अगले 12 महीने के। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, क्या इस स्टॉक में आपको बाय करना चाहिए एंड अगर आपके पास है तो एवरेज करना चाहिए। इसका मेरी तरफ से जवाब होगा एवरेज आपको बिल्कुल करना चाहिए एंड बाय भी आपको करना चाहिए, बट क्या गिरावट खत्म हो गई, इसका जवाब है नहीं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये स्टॉक आपको लोअर एंड यानी 2300, 2400 यहां मिल रहा है, बिल्कुल खरीदिए एंड जो फ्रेश एंड लिया है वो 30% खरीदे, जो ऑलरेडी होल्ड करता है वो एवरेज करे, बट इतना कि वो और नीचे खरीद सके। इन केस मार्केट में दोबारा सेलिंग आती है एंड इस स्टॉक में आती है तो ये स्टॉक 2360 ब्रेक कर देगा एंड आपको 2250 तक जाता हुआ दिख सकता है, वहां पे आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी खरीदने के लिए एंड अगले 8 से 10 महीने में ये स्टॉक दोबारा आपको 2600 रुपए तक आता हुआ दिखेगा। तो ये अगर आप फॉर्मूला अपना के बाय करेंगे तो मुझे लगता है बढ़िया प्रॉफिट आपका बन सकता है। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो लास्ट पिछले कुछ दिनों में जो इसमें हाल हुआ है। देखिए फ्राइडे के सेशन में काफी बुरी मार्कआउट हुई लेकिन वॉल्यूम्स में हैवी थे, लेकिन डिलीवरी देखोगे ना तो वहां कोई कमी नहीं आई, यानी लोगों ने बेचना पसंद नहीं करा। फ्राइडे की गिरावट में भी ये स्टॉक्स 42.61% की डिलीवरी परसेंटेज दिखाता हुआ दिखाया आपको, तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि स्टॉक में लोगों का भरोसा पूरा है। तो मुझे लगता है आप भी निश्चिंत बने रहे, हालांकि स्टॉक काफी नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, एक साल में अभी भी 13% के पॉजिटिव रिटर्न्स है, आगे चल के अच्छा कामकाज दिखेगा आपको एंड ये जो प्रॉब्लम है इस पर इंपैक्ट तो करेगी ये रिजल्ट्स में, बट हाँ
आपको उतनी बड़ी इम्पैक्ट नहीं आती हुई दिखेगी, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स आते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। मेनली तो इनका ऑयल का एनजीओ का नंबर देखा जाता है, जो देखना वाली बात है, एंड ऑयल पे ही एक्सपोर्ट लग गया तो ये दिक्कत वाली बात है, बट इतना नहीं कि आपको पूरी बैलेंस शीट ही चेंज हो जाए, खराब हो जाए। तो बस ये है कि खराब है स्टॉक, सपोर्ट्स के बाद है तो यहाँ ले लिया, सपोर्ट बहुत अच्छी बात है, यहीं से हो सकता है स्टॉक घूम जाए 2500 रुपए तक आ जाए, एंड नहीं घूमा तो 2250 के पास मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होगा। तो ये मेरी पूरी वीडियो रिलायंस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।